रोहित जी, चाहे आपने बहुत सारे नाम गिनाए राघव शुक्ला चड्ढा, जी, मैं एक हाँ छोटा सा शुक्ला इंटरवेंशन दे जी, रहा हूं, आपने बहुत शुक्ला सारे नाम जी, गिनाए। शुक्ला केजरीवाल जी जी, इनके इनके घर गए सुन लीजिए सर, मैं आपको सुन बता लीजिए, देता हूं ना, ध्रुव त्यागी के घर नहीं गए केजरीवाल जी, एक एक डॉक्टर मिनट, नारायण मैं का परिवार पूरा कहता रहा कंप्लीट, सर, नहीं गए केजरीवाल मैं जी उनके कंप्लीट, घर, अच्छा मैं रिंकू कंप्लीट शर्मा के घर अब करता तक नहीं गए, राहुल राजपूत के घर नहीं गए सर, हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। बोलिए। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शुक्ला जी जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल मेरे करना कोई चाहते अभद्र हैं करें, भाषा ये का प्रयोग अपने नहीं किया, मैं संस्कारों का चुनौती परिचय दे देता रहे हूं, हैं। और ये मैं किसी आचरण भी संहिता शब्दकोश जानते का हैं, तो निकाली माफी भी संस्कार दे रहे आपके हैं। गड़बड़ मैं है, आपको माफ कर दिया, संस्कार तो आप आपके जो भाषा संस्कार का का प्रयोग साफ करना ताहिर करिए, हुसैन आप का, अपने ताहिर संस्कारों का हुसैन का परिचय दे रहे संस्कार हैं। आप पे है, यही संस्कार अमानतुल्लाह खान आपको का लगता है संस्कार आप पालन पे है, पोषण इन्हीं संस्कारों से मेरा हुआ है, संस्कार और तो मैं बहुत आपको माफ स्पष्ट है, करता हूँ। चड्ढी मैंने आपको पुत्र ने माफ कर संस्कार दिया बिगड़ गया मेरा, शुक्ला जी, मैंने आपको चड्ढी माफ कर पुत्र दिया, के मुझे संस्कार बोलने बिगड़ दीजिए, मैंने गए माफी दे जी। दी आपको, कोई नहीं, बात नहीं, मैंने माफ आप कर दिया, आपसे माफी मांग कौन रहा है? अरे मैंने आप माफ कर दिया, जैसे, मैंने आप माफ कर जैसे दिया, मुझे दोहरे तो बोलने मानदंड दे वालों दीजिए। से, अच्छा आप मैंने जैसे माफ दोहरे कर दिया, मानदंड जो वालों से आपने माफी भाई को साहब मांग ने लो बोला, ना। मैंने मेरा आपको निवेदन है, बोला आप दोनों से इस कि मैंने बहस को आपको खत्म माफ करें, कर दिया, मैं मुझे मैंने बोलने कहा दीजिए, ना मैंने आपको इस माफ कर बहस दिया, को खत्म करें और चड्ढा मुद्दे का पर आ जाएं। चड्ढी कह देने पे आप इतने अच्छा चले गए, प्लीज अब मैं शुक्ला जी, अभद्र प्लीज भाषा का, कोई बात नहीं, आप बोलिए ना, शुक्ला जी आपने प्लीज, अपशब्द शुक्ला अभद्र अभद्र परिचय दे भाषा रहे है, हैं, मैं आपको माफी दे रहा हूँ अभद्र शुक्ला भाषा जी, है, मैंने आपको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, लीजिए मैंने माफ दोहरे कर दिया, मानदंड आप में राघव बैठो, जी मुद्दे की अब बात पे आपसे आएंगे, माफी मांग ली, आपको राघव माफ जी कर मुद्दे दिया। की बात पे आएंगे, देखिए मुद्दे की बात रोहित जी बड़ी सरल है, आप देख रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता कैसे भाग रहे हैं, एक बार भी आप मैंने बताइए ना, बीते ध्रुव एक घंटे में त्यागी, आपके सवाल का जवाब नहीं ध्रुव दिया, त्यागी के मुझसे घर आपने क्यों 10 नहीं गए, बार डॉक्टर सवाल नारायण के पूछा, घर क्यों मैंने नहीं 10 गए, बार राहुल जवाब राज के घर दिया, क्यों नहीं आपने गए, घुमा घुमा इसका के उत्तर सवाल दीजिए पूछा, ना, मैंने सीधे राहुल तरीके से राज कई के बार घर क्यों जवाब नहीं दिया, गए, ध्रुव लेकिन त्यागी के भाजपा घर के क्यों नहीं प्रवक्ता गए, ना मुझे डॉक्टर बोलने दे रहे नारायण हैं, के घर ना क्यों सवालों नहीं के गए, जवाब ये दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं पूछना गए, चाहता हूँ बताइए गृह ना डॉक्टर मंत्री जी नारायण कब के घर, जाएंगे उनके घर, डॉक्टर मैं नारायण पूछना के घर, चाहता हूँ पुलिस केजरीवाल इंस्पेक्टर क्यों कब नहीं जाएंगे गए, उनके घर, वो और अमानतुल्लाह क्यों आज खान के भाजपा घर के क्यों राज्य जाते में हैं, जय श्री राम जुनैद बोलना के मामले और पर क्यों सुप्रीम कोर्ट रोते का हैं, जवाब, जुनैद अब इसको तो तबरेज, शांत कराना पड़ेगा, अमानत रोहित अखलाक जी इनके लिए इनको शांत रोएंगे, कराना पड़ेगा, डॉक्टर मैं ऐसे नारायण नहीं के बोल घर नहीं पाऊंगा, जाएंगे, चलिए सर डॉक्टर समय, नारायण के लाना घर क्यों जानते नहीं गए, समय राहुल राज समय के से घर आगे क्यों नहीं इजाजत गए, देने रहा बताइए शुक्ला ना, जी प्लीज, राघव जी आप क्योंकि देखिए 5:35 तक ही थे हमारे साथ, मैं जानता हूं इस बात को, धन्यवाद, आप 5 मिनट अतिरिक्त रुके हैं उसके लिए, मैं इस तूतू मैमे की बजाय उसके परिवार को कम से कम थोड़ी सी संवेदना महसूस तो हो बातों में, कम से कम विष्णु जैन, बिल्कुल वो संवेदना कैसे महसूस होगी, अमित शाह या केजरीवाल के जाने से महसूस होगी, किसी के 1 करोड़ का चेक अनाउंस कर देने से महसूस होगी, या फिर इस बात से महसूस होगी कि इस तरीके की गंदी राजनीति बंद हो जाए इस देश में, किसी की लाश पर बैठकर उसका धर्म लेकर खड़े हो जाना और फिर उसके हिसाब से तय करना कि इसको अच्छा मर्डर बताना या बुरा मर्डर बताना। रोहित जी, मैं बिल्कुल आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत ही दुखद घटना है, और मेरी भारत सरकार से, गृह मंत्री से ये मांग है कि इस केस में करीब 60 दिन के अंदर चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल करे, क्राइम ब्रांच दाखिल करे, और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे भेजा जाए, और रिंकू शर्मा के परिवार को रिहैबिलिटेट करने के लिए भारत सरकार स्पेशल योजना बना के उनको नौकरी दे, उनके परिवार के सदस्यों को स्पेशल फंड एलोकेट करे, और जो भी परिवार में क्षति हुई हो, क्षति को तो कोई वापस लौटा नहीं सकता है, रिंकू शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, उसकी निर्मम हत्या हो चुकी है, हत्या पर राजनीति होती रहेगी, ये खुद में बहुत शर्म की बात है, पर मैं उसके परिवार की तरफ से ये मांग करता हूँ, और सारे वकील समुदाय की ओर से आपके चैनल पर ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग की तरफ से भी जो भी लीगल हेल्प हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क हम उसके परिवार को देंगे, और ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार सही से प्रोसिक्यूशन करे और ये केस अपने नतीजे तक पहुंचे, और रिंकू शर्मा की हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे और फांसी के तख्त तक लटकाया जाए। रहमानी साहब सबक लेंगे इससे नहीं, नहीं कि हत्याओं पर राजनीति न करें कम से कम। मैं आपकी आखिरी जुमले से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं विष्णु शर्मा विष्णु जैन की भी बात से सहमत हूं, राजनीति हत्या पे नहीं होनी चाहिए, हम सबको जो परिवार है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमारी संवेदनाएं उसके साथ होनी चाहिए, 10 तारीख को ये एक मर्डर हुआ था, उस पर उसकी जांच होकर उसके हथियारों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको पूरी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उन परिवार को रिहैबिलिटेट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। 9 तारीख को एक और भी हत्या हुई थी, मैंने उसको कोर्ट नहीं किया, मैं उसको भी कोर्ट कर सकता था, लेकिन इसीलिए कि हमको कम्युनलाइज भी, लेकिन ये जो मर्डर हुआ था सर, इसमें लोग घर में जिस तरीके से घुसे और जो तस्वीरें वो अपने आप में गवाही देती है तस्लीम रहमानी, कि आपकी लिंचिंग की परिभाषा में ये भले ना फिट बैठता हो लेकिन लिंचिंग ये थी।